भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड मूवी भाग खेसारी भाग रिलीज हो चुकी है। सिनेमा घरों में लग चुकी है और छठ के मौके पर दस्तक दे चुकी है। हाँ, अभी तक सिनेमा घरों में विवाह बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन भाग खेसारी भाग जैसे ही रिलीज हुई, दर्शकों का झुकाव भाग खेसारी भाग की तरफ हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है स्टोरी और आपको जाना चाहिए ये फिल्म देखने या नहीं। तो पहले हम आपको बता दें कि अगर आप खेसारी लाल यादव के फैंस हैं तो भी, और नहीं हैं तो भी, और अगर आप भोजपुरी में एक अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं तो यह फिल्म देखने जरूर जाइए, क्योंकि यह फिल्म है उत्साह से भरे, जोश से भरे उस नौजवान की जो हर एक बाधा को पार करके सफलता की उस सीढ़ियों को छूता है जिसके लिए कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हम बात करेंगे यहाँ आज पनौती की। जी हाँ, खेसारी लाल जो किरदार निभा रहे हैं, नाम खेसारी ही है लेकिन वो फिल्म में जाना जाता है, अपने घर गांव में सभी जगह जाना जाता है पनौती के रूप में। भाई पनौती उसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो जहाँ जाता है काम बिगड़ जाता है। बनते हुए काम को बिगड़ता देख और खेसारी की मौजूदगी को देख गांव और उनके घर के सभी लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। खेसारी लाल यादव इस पनौती के टाइटल से इतने तंग और त्रस्त आ चुके हैं कि वो भागते हैं और सिर्फ भागते हैं कि किस तरह से ये टाइटल यानी किस तरह से ये तमगा जो उन्हें मिला है पनौती का उनका साथ छोड़े। लेकिन इन्हीं भागने के चक्कर में खेसारी लाल यादव के अंदर एक जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं दबी रहती है। खेसारी लाल यादव बचपन से ही इस तमगे को, इस दाग को धोना चाहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि आप जिस चीज को धोना चाहें, जिस चीज से जितना भागे वो चीज आपके उतने ही पीछे पड़ जाती है। ठीक उसी तरह आप देखेंगे खेसारी लाल यादव की इस फिल्म में कई जगह ऐसे दृश्य हैं जहां खेसारी लाल यादव त्रस्त हो चुके हैं और इसे फिल्माया भी बहुत अच्छे ढंग से गया है। खेसारी की लाइफ में एंट्री होती है फिल्म की एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा की। स्मृति इस फिल्म में खेसारी के लिए ठंडी हवा का झोंका बन के आती है। स्मृति के पास जब भी खेसारी रहते हैं वो अपने सारे गम भूल जाते हैं। पूरे फिल्म में एक स्मृति ही ऐसी है जिसे खेसारी के पनौती होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए खेसारी दुनिया के सबसे लकी इंसान है, क्योंकि खेसारी जब उनके पास होते हैं उनके बिगड़ते काम बन जाते हैं, इसलिए वो खेसारी को लकी मानती हैं। लेकिन तभी गांव में अचानक एक घटना घटती है और खेसारी लाल यादव के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर आने का मौका मिल जाता है। जी हाँ, खेसारी भागते बहुत अच्छा है और इस बात का एहसास खेसारी के कोच को बहुत ही जल्दी हो जाता है। फिल्म में खेसारी के कोच ने खेसारी के अंदर की प्रतिभा जगाई और खेसारी को बना दिया नेशनल लेवल का चैंपियन। भाग खेसारी भाग में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि फिल्म कुछ ज्यादा ही खींच रही है, तभी उन मौकों को भुनाने के लिए फिल्म में गानों का यूज हो चुका रहता है और समय समय पर गाने काफी इंटरटेनिंग भी लगते हैं। वो बात और है कि लोगों के जुबां पर गाने नहीं चढ़े हैं, लेकिन गानों का बखूबी यूज किया गया है भाग खेसारी भाग में। फिर वो ट्रेन वाला दृश्य जहां खेसारी लाल यादव अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं और बीच में ही झड़प हो जाती है कुछ गुंडों से, और वहीं पर खेसारी लाल यादव के लाइफ का वो मोड़ आता है जहां से सारी संभावनाएं टूट जाती हैं कि खेसारी फिर कभी जीवन में चल भी पाएंगे। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आत्मशक्ति इंसान को कितना आगे बढ़ा सकती है इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, जिसके लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। यहाँ हम फिल्म के डायरेक्टर प्रेमांशु सिंह की तारीफ करना चाहेंगे, क्योंकि फिल्म में कब कहाँ कैसे कौन सा सीन यूज करना है, कब किस कैरेक्टर को कितना फुटेज देना है, सब कुछ प्रेमांशु सिंह के माइंड से डायरेक्ट पर्दे पर उकेरा गया है। हाँ, स्मृति सिन्हा और खेसारी लाल यादव की जोड़ी ज्यादा नहीं जचती क्योंकि ये काफी लंबे अंतराल के बाद आई है, लेकिन आप इस जोड़ी की केमिस्ट्री से इनकार भी नहीं कर सकते। इस जोड़ी की केमिस्ट्री काफी बेहतरीन है। साथ ही साथ फिल्म में खेसारी के पिता बने अमित शुक्ला की एक्टिंग आपको काफी प्रभावित करेगी। संजय वर्मा, अयाज खान जैसे अभिनेता आप पर अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे।
हम भाग खेसारी भाग को 5 में से 4 स्टार देते हैं और यकीन करते हैं कि आप इस जबरदस्त फिल्म को देखने थिएटर तक जरूर जाएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।